हेलो एवरीवन, एक न्यू वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। भगड़वा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सुरतगढ़ के अंदर हम बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन के पार्ट नंबर 2 का, मतलब सरलीकरण भाग नंबर 2 के। सरलीकरण का फर्स्ट वीडियो अपलोड है, यूट्यूब पर है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप देख सकते हैं। उसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर किए गए। आज और बेसिक कॉन्सेप्ट अब देखते हैं, सिंप्लीफिकेशन किस तरह से सोल्यूशन करते हैं। किसी भी एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे है, बैंक है, सीएचएसएल है, आर्मी है, जीडी है, सीजीएल है, दिल्ली पुलिस है, सीपीएसआई है, सीएटी राजस्थान गवर्नमेंट है। तो आज हम शुरू करते हैं कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट। एक बार वीडियो को शेयर करें सोशल मीडिया पर और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है आपके सामने, 100 भुजाओं वाले समबाहु में कितने विकिरण पाए जाते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। किसी प्रकार का आपका संभव दिया जाता है, उसकी भुजाएं आपको गिवन होती है, दी होती है, और आपसे विकिरण पूछा जाता है। तो किस तरह से सॉल्यूशन करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन, जब हमें संभव की भुजा दे रखी और विकिरण पता करना हो, तो उस समय हम विकिरण ज्ञात करने के लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट लगाते हैं, n n-3/2। कभी भी आपसे विकिरण पूछा जाए संभव की, संभव त्रिभुज नहीं है, संभव है, षटभुज है, पंचबहु है, किसी भी प्रकार का बहु है, विकिरण ज्ञात करने के लिए n n-3/2 करते हैं। ठीक है, n यहाँ क्या है, n है भुजा की संख्या। भुजा कितनी दे रखी है अपने को, 100 दे रखा है। तो इस बेसिक कॉन्सेप्ट में रखेंगे तो विकिरण बराबर हो जाएगा 100 गुणा में, अब देखो यहाँ क्या होगा, 100 माइनस 3 बटा में 2। ठीक है ना, यहाँ एन की जगह रखेंगे तो यह हो जाएगा 100 गुणा में 97/2। इसको काटेंगे 50 का इससे गुणा करो 0, 35 और 45 और 3 48। तो विकिरणों की संख्या कितनी आएगी, 4850 आएगी। विकिरणों की संख्या कितनी आ जाएगी, 4850 आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इस प्रकार का क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन को कोई भी सोल्यूशन कर सकता है, लेकिन हमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्या होता है, टाइम बचाना होता है। आप इन दोनों को गुणा करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे, माइनस कर देंगे और बाय डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा। और हमें टाइम को क्या होता है, बचाना होता है, जितना टाइम बच सके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, सिलेक्शन की दौड़ में वही शामिल होते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 0.25 की स्क्वायर माइनस 0.24 की स्क्वायर बाय 0.49, लिख सकते हैं। अरे भैया ये दो बार है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ये भी दो बार है, ये स्क्वायर। अब हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि ये पहले की स्क्वायर और दूसरे की स्क्वायर बीच में माइनस हो। पहला जो एलिमेंट दे रखा है उसकी स्क्वायर दूसरे की स्क्वायर और बीच में माइनस हो, तो हम क्या करते हैं, एक बार उसको प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में लिखते हैं। तो इसका क्या होगा, ये हम लिखेंगे 0.59 प्लस 0.4, 0.59 माइनस 0.4। आप आई क्या समझ में, जब भी एक एलिमेंट की स्केयर और दूसरे एलिमेंट की स्केयर होती है, बीच में माइनस होता है, तो एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में लिखते हैं। बटा में कितना हो जाएगा, 0.49। आप देखो 0.25 और 0.24 कितने हो जाएंगे, 0.49 हो जाएंगे, गुणा 25 में से 24 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0.01/49। भाई 49 है, 49 से 49 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0.01 आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आएगा, 0.01 आएगा। ज्यादा से ज्यादा अपने सिलेक्शन को, अपने भविष्य को सुधारने के लिए किताबों के साथ जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा टाइम किताबों को दीजिए, क्योंकि ये भविष्य सुधारने का यही टाइम है, और एक बार टाइम निकलने के बाद कुछ भी हमें नहीं मिलता है। तो ये आप 6 महीने, साल, 2 साल, जो भी आपका टारगेट है उसकी प्रिपरेशन करने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा बुक्स को प्रिपेयर करें, ऑथेंटिक बुक्स, और अच्छे दोस्त बनाइए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तैयारी तो सब करते हैं, लेकिन उनमें से सिलेक्शन किसी का ही होता है। क्यों, क्योंकि तैयारी करना, फॉर्म भरना और तैयारी करने में अंतर होता है। फॉर्म तो हम भर देते हैं,
लेकिन तैयारी करने का एक अलग शेड्यूल होता है, एक अलग मटेरियल होता है, एक अलग टारगेट के साथ जो तैयारी करते हैं सिलेक्शन की दौड़ में वही शामिल होते हैं। तो उन्हीं व्यक्तियों की दौड़ में शामिल होने के लिए अपने फ्रेंड सर्किल को भी सुधारिए कि आपके फ्रेंड सर्किल में कोई नेगेटिव वाला तो नहीं है, अलग सोचने वाला तो नहीं है, उस टारगेट के बारे में सोचने वाले ही होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7511 में कम से कम कौन सी संख्या जोड़ दी जाए, कम से कम कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि वह 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से आप सोल्यूशन कर सकते हैं, लैंग्वेज पर जाने की लोड ही नहीं। अब कम से कम कौन 13 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, इसका मतलब इस संख्या में 13 का भाग लगाना, बस इतना ही, इस संख्या में 13 का भाग लगाना। तो सोल्यूशन में क्या है, 7511 बाय 13। अब इसमें जैसे 13 का आपको भाग लगाना है, ठीक है ना। तो अब देखिए, देखते हैं कि पूरा पूरा भाग जाता है या नहीं जाता, अगर नहीं जाता तो शेषफल कितना बचता है, फिर कितना जोड़ेंगे पूरा भाग चला जाए, बस इतना है। 13 का भाग लगाएंगे, 13 × 5 = 65, 75 में से 65 घटा देंगे 10 बचे। आप अपने तरीके से वही जो छोटी कक्षा में भाग लगाते थे वैसे लगा सकते हैं, 65 मतलब 10 बचे, 10 इसके साथ 1 के साथ मिलाओगे 101 और 13 × 7 = 91 घटा दोगे, वापिस कितना बचा 10, फिर 101 फिर 10, इसका मतलब शेषफल जो है, शेषफल देखना है अपने, शेषफल कितना बच रहा है 10। अगर शेषफल 0 बचता तो ये 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाता, लेकिन शेषफल कितना बच रहा है 10 बच रहा है, 10 बच रहा है ना शेषफल, हमें क्या करना है पूर्णतः विभाजित करना है। अगर ये पूर्णतः विभाजित कब होता, जब यहां 0 आता या फिर 13 आता। तो अब 10 शेषफल बच रहा है, 10 में कितना जोड़ दिया जाए कि ये 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, 3 जोड़ेंगे ना, कितना जोड़ेंगे 3, बताइए समझे, इसमें भाग लगाओ शेषफल देखो, भैया शेषफल 10 है तो 10 में कितना जोड़ें कि 13 बन जाए, क्योंकि 13 से विभाजित करना 3 जोड़ें। अगर यहां 9 आता, शेषफल 9 आता तो 9 में कितना जोड़ें कि 13 बन जाता, 4 जोड़ें। तो यहां कितना जोड़ना पड़ेगा 3 जोड़ें। क्या बोला, कम से कम कौन सी संख्या जोड़ दी जाए, कम से कम 3 जोड़ दिया जाए तो ये 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इस प्रकार के क्वेश्चन भी सिंप्लीफिकेशन में बहुत ज्यादा पूछ लिए जाते हैं और बच्चे इसको सॉल्यूशन करने से कतराते होते। अब देखें किस तरह से सॉल्यूशन करेंगे इसका, 212 और पावर कितनी है 0.5 गुणा 848 पावर कितनी है 0.5। अब इसको सॉल्यूशन कैसे करें, ये हो गया और इसको लिख सकते हैं, अरे भैया 0.5 का मतलब क्या है, 1/2, 848 1/2, और 1/2 का मतलब हम वैसे भी जानते हैं रूट होता है, 1/2 का मतलब क्या होता है रूट होता है। अब इसका भी पूरा रूट नहीं है, इसका भी पूरा रूट नहीं, मान लो यहाँ 400 होता तो हमें 400 का रूट 20 हो जाता, यहाँ मान लो 64 होता 64 का रूट 8 हो जाता, लेकिन ये तो पूरी संख्या है नहीं, तो भैया तोड़ना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ेंगे, अब इसको तोड़ने के अलग अलग तरीके हैं, आप इस मेथड से तोड़ सकते हैं, ये 212 में 2 का भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 106 में 2 का भाग लगाएंगे 53, 53 में 53 का भाग जाता है, इसका मतलब ये इसकी जगह लिख सकते हैं हम 2 × 2 53/6। इसी तरह से इसको तोड़ेंगे तो ये बनेगा 2 × 2 × 2 × 2 × 53/1/2 ये बने, ठीक है ना, इसको तोड़ेंगे इसी तरह से तो ये वाली संख्या बनने वाली है। अब देखो 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट निकालना, ठीक है ना। तो इसका मतलब 2 × 2 = 4, 4 का रूट कितना होगा 2, अरे भैया 1/2 का मतलब जोड़े बनाने होते हैं, इसका जोड़ा बन गया, जोड़े में से एक लेते हैं, ये छठी कक्षा में सीखते हैं, इस जोड़े में से एक बार निकाल देंगे तो यहाँ 53 का रूट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं, ठीक है ना।
अब इस जोड़े में से एक लिया, इस जोड़े में से एक लिया, दो दुए चार बार आ जाएंगे, तो एस 53 को ऐसे लिख सकते हैं। कोई डाउट है क्या? अरे भैया कोई डाउट है क्या? अब हम क्या करेंगे, दो का चार से गुणा कर देंगे आठ, दो का चार से गुणा कर देंगे आठ, रूट 53 का रूट 53 से गुणा करते हैं, रूट का रूट से गुणा करते हैं, रूट हट जाता है और अंदर वाली संख्या बच जाती है। अब आठ तिया 24, आठ तिया 24, आठ पांच 40 और दो 42, तो आंसर कितना आया 424, आंसर कितना आया 424। इसी को क्या बोलते हैं, सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं और आपके तथ्य क्लियर हुए, स्क्रीन पर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करना है आपको, सरलीकरण कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, बटा वाली संख्या है, आपको क्या करना है, इस प्रकार के क्वेश्चन भिन्न में बहुत सारी संख्या दे रखी हो तो नीचे वाली संख्या देखो, दो तीन चार तीन छह, इसका आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है, इसका एलसीएम लेना है। तो जब हम दो तीन चार तीन और छह का एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम 12 आता है। एलसीएम का मतलब वो संख्या जिसमें सभी का भाग जाना चाहिए, ठीक है ना। तो 12 में इसका भी भाग जाता है, इसका भी जाएगा, इसका भी जाएगा, इसका भी जाएगा। अब कोई कह सर मैं तो 24 लूंगा, तो 24 में भी सभी का भाग जाना। एलसीएम हमें क्या करना है, जस्ट मिनिमम संख्या लेनी है जिसमें सभी का भाग जाए। तो एलसीएम आने के बाद यहां पे एलसीएम लघुतम समावर्तक कितना है इसका, 12। कितना आ गया, 12। जब लघुतम समावर्तक 12 आ गया है तो सभी को 12 से गुणा कर देना, सभी को 12 से गुणा कर देंगे तो क्या बनेगा सॉल्यूशन में देखें, 1/12 गुणा में 12, 1/3 गुणा में 12, 1/4 गुणा में 12, 1/3 गुणा में 12, 5/6 गुणा में 12। जो एलसीएम आया है उसको सभी से क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो 2 से 2 कैंसिल 6, ये कैंसिल 4, ये कैंसिल 3, ये कैंसिल 4, ये कैंसिल 2, तो यहां बचा 6, यहां बचा 4, यहां बचा 3, यहां बचा 4, यहां बचा 10। ये 4 प्लस के हैं, ये माइनस के हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। 6 और 3 9 और 10 19, तो इसका सिंप्लीफिकेशन आंसर कितना आ जाएगा, 19। सिंप्लीफिकेशन आंसर कितना आएगा, 19। इतने बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप देख सकते हैं किस तरह से क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्यूशन हो रहा है। अब ये देखें, इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाए। शुरुआत में हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था वी वोड मास रूल्स। वी का मतलब सबसे पहले बारकोट आते हैं, वी वोड मास, बी का मतलब ब्रैक्स, का ऑफ का, ओ का मतलब ऑफ, उसके बाद डिवाइडेशन, फिर मल्टीपल, फिर एडिशन, फिर सबट्रैक्शन। तो यहां सबसे पहले ये जो मल्टीपल है, डिवाइडेशन है, इसको सॉल्यूशन करेंगे। और डिवाइडेशन सॉल्यूशन करने का मैंने आपको पहले भी रूल बता रखा है, इस तीन का, इस तीन, ये तीन यहां होता है रियल में, यहां इसको बोलते हैं करनी। ये तीन यहां है, इसका मतलब क्या है, करनी होता है। करनी का मतलब ये तीन यहां करनी है और इसका वर्गमूल निकाल है, घनमूल निकालने की बात कर रहे हैं। तो आठ, तीन आठ का मतलब है आठ का घनमूल, आठ का घनमूल कितना होता है, दो, बटा में रूट 16, रूट 16, 16 का रूट कितना होता है, चार। अब मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बता रखा है कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए, डिवाइडेशन आए, तो इसको उल्टा कर देते हैं। जब भी यहां पर डिवाइडेशन का निशान आए तो गुणा का निशान बना देते हैं और इस संख्या उल्टी कर देते हैं। 9 ऊपर जाएगा, 100 नीचे आएगा, और रूट लगा हुआ है तो 9 का 3 और 100 का 10। बात आई क्या समझ में, भैया इसका रूट हटाते हैं तो 10/3 बनता ना, उल्टा करेंगे तो 3/10 बन जाएगा। और ये भी करनी है तो 125 का घनमूल कितना होता है, 125 का घनमूल कितना है, 5 होता है, ठीक है। अब इसको सॉल्यूशन करो, बिल्कुल सिंपल हो गया, 5 एकम 5, 5 दुए 10, ये से कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा, 3/5।
4 = 0.75 इतना सिंपलीफिकेशन, इतना कम टाइम में आप सोल्यूशन कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपकी तैयारी के साथ बहुत सारे व्यक्तियों की आशाएं जुड़ी हुई है। बहुत सारे व्यक्ति आपसे आशाएं करते हैं, आपके घरवाले नहीं, बहुत सारे जो भी आपके दूर दराज के रिश्तेदार वगैरह सब लोग आपसे आशाएं रखते हैं। एक व्यक्ति के पीछे बहुत सारे लोगों की आशाएं जुड़ी होती है कि वो अपने फ्यूचर को संभाले, वो अपने जॉब को सिक्योर करे, वो अपने भविष्य के बारे में अच्छी तरक्की करे। इन सभी की आशाएं होती है और हमें उस आशा पर खरा उतरना होता है। इतनी सारी आशाओं को हम तोड़ नहीं सकते, यही टाइम मिलता है 1-2 साल, इसी में अगर हम इतने सारे व्यक्तियों को धोखा देंगे तो हमारा भविष्य तो है ही खराब, आगे हमारी जिंदगी भी आगे जो है, जो हमारा गॉड अल्लाह ईश्वर जो होता है वो भी हमारे साथ न्याय नहीं करने वाला है अगर हम उन सभी की आशाएं तोड़ते हैं। अब आशाएं बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, बनाए रखने के लिए हमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा, जो हमारा टारगेट है उसके साथ जुड़ना पड़ेगा, अच्छे लोगों से संपर्क बनाने पड़ेंगे, अच्छा फ्रेंड सर्किल बनाना पड़ेगा ताकि वो उस टारगेट के बारे में सोचे, उस मुद्दों पर डिस्कस करे। क्योंकि जब हम फ्रेंड सर्किल में बैठते हैं, अगर आप जो आपका टारगेट है उसी मुद्दों पर उनके साथ डिस्कस कर रहे हैं और वो भी आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं तो 10% कॉन्सेप्ट तो वहां से क्लियर हो जाते हैं। और जब आप फ्रेंड सर्किल में बैठे हैं, बात ही कुछ टारगेट से हटकर हो जा रही है तो आपको कुछ फायदा होने वाला नहीं। तो संभलें, सोचें, उसके बाद अपने फ्रेंड सर्किल को चुनें। किन्हीं 3 कर्मागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग कितना है, 147 हो तो बीच वाली संख्या क्या होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आपको यहां मैं शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूं, बिल्कुल सिंपल ट्रिक्स। पेन उठाने की जरूरत भी आपको नहीं पड़ेगी। जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन मिले, कर्मागत संख्याएं मिले, विषम संख्याएं मिले, तो हमें क्या करना है, 3 संख्या का योग कितना है, 147। 147 संख्याएं कितनी है, 3 का भाग लगा दें, 3 का भाग लगाएंगे 49 बीच वाली संख्या, बिल्कुल सिंपल। अगर कर्मागत संख्याएं आपको दे रखी है, उनका योग दे रखा है, तो योग बाय जितनी संख्या वो कर दो, बीच वाली संख्याएं आ जाएगी। तो बीच वाली संख्या कितनी है, 49। बीच वाली संख्या कितनी है, 49। अब मुझे ये बता सकते हैं आप कि पहली और दूसरी संख्या कितनी थी। अरे भैया जब 49 बीच वाली संख्या है, 49 यहां बीच में, तो 49 से पहली विषम संख्या कौन सी होती है, 47। पहली कौन सी होती है, 47 होती, ठीक है। और 47 के 49 के बाद विषम संख्या कौन सी होगी, 57। इसने क्या बोला, 3 कर्मागत कर्म के अनुसार जो संख्या, 47 49 51, जब आपने बीच वाली निकाल ली तो पहली दूसरी भी निकाल लो, यस या नो। उसके बाद नेक्स्ट देखें, इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है, इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। अब देखो, 1 के बटा में है, इसके बटा में नहीं है, इसके बटा में कुछ है, इसके नहीं, इसके बटा में कुछ है, इसके नहीं। अब इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो किस तरह से सॉल्यूशन करें, आपको कुछ नहीं करना, जिसके बटा में नहीं है ना सीधा गुणा मार दो, 4 में से 1 घटा दो, 3/2। बात आई क्या समझ, जिसके बटा में कुछ नहीं है ना सीधा गुणा मारो, 9 में से 1 घटाओ, 8/3। जिसके बटा में कुछ नहीं है सीधा गुणा मारो, 4 × 4 = 3, 1 घटा देंगे 4। जिसके बटा में कुछ नहीं है सीधा गुणा मारो, 25 में से 1 घटाओ, 24/4। देखो कितना सिंपल हो गया, देखो कितना सिंपल हो गया, है ना। इस तरह से 4 × 4 = 4, 2 × 2 कैंसिल, 3 × 3 कैंसिल, ओके, 24 का 3 से गुणा कर दो, 72/5 इसका आंसर होगा, 72/5 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात आई क्या समझ में। तो इस तरह से हम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, जो भी आप
किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए क्लास काफी यूजफुल साबित होगी। तो ज्यादा से ज्यादा इसको सोशल मीडिया पर शेयर करें, बेल के प्रेस को नोट करें। सिंप्लीफिकेशन पार्ट नंबर 2 जो आज हम लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बारे में इस चैनल के बारे में बताएं, चैनल को सब्सक्राइब, बेल के प्रेस को जरूर नोट करें। कल मिलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 जिसमें और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर किए जाएंगे। धन्यवाद। उसके बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा।